यूपी विधानसभा का मानसून सत्र आज से शुरू हो रहा है और विधानसभा अपने नए रंग रूप में नजर आ रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा के भीतर डिजिटल वीथ का और डिजिटल कॉरिडोर का शुभारंभ किया। ये हम आपको दिखा रहे हैं कि ये इस तरीके से LED स्क्रीन्स के जरिए ये पूरा एक डिजिटल कॉरिडोर तैयार किया गया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो अलग अलग पिलर हैं उस पर उत्तर प्रदेश के बारे में जानकारियाँ दी गई हैं और एक तरीके से यूपी टूरिज्म के लिए उत्तर प्रदेश में कह सकते हैं कि पर्यटन का नया स्थल के तौर पर विधानसभा को डेवलप किया जा रहा है और जिसमें तमाम सारी जानकारियां होंगी। इसके लिए एक वेबसाइट का भी कल मुख्यमंत्री ने शुभारंभ किया और उस वेबसाइट के ज़रिए गाइडेड टूर की व्यवस्था की गई, यानी गाइड के साथ टूर करने के लिए यहाँ पर आ सकते हैं। आमतौर पर जो शोधार्थी हैं या जो विद्यार्थी हैं उनके लिए ये एक बेहतर स्थल हो सकता है और विधानसभा के बारे में जानकारी, सरकार के बारे में जानकारी के लिए यहाँ पर ये इस LED स्क्रीन के ज़रिए आपको तमाम तरीके की जानकारी उत्तर प्रदेश के बारे में मिल सकती है। जैसे आप देख रहे हैं कि स्टार्टअप को प्रोत्साहन तो स्टार्ट इन यूपी, उसमें कौन कौन सी इकाइयों में आप निवेश कर सकते हैं, कैसे उसको प्रोसेस करना है, उसकी तमाम जानकारियां आपको दिखाई पड़ेंगी। बीच बीच में स्क्रीन बदलती रहती है। देखिए, अब आपको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आपको इस पूरे डिजिटल कॉरिडोर में जितनी भी LED स्क्रीन्स लगी हुई हैं वहाँ पर आपको ये नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा जो तमाम विधायक हैं, यानी उत्तर प्रदेश में की विधानसभा में 403 विधायक, और आप देख रहे हैं कि सभी विधायकों की यहाँ पर आपको जानकारी मिल जाएगी कि कौन विधायक किस क्षेत्र से आता है। जैसे राम रतन कुशवाहा जी का नाम यहाँ लिखा हुआ है, डॉक्टर मनोज कुमार प्रजापति हमीरपुर से आते हैं, राकेश गोस्वामी महोबा से, ये तमाम आप देख रहे हैं जो विधायक, डॉक्टर रश्मि आर्या मऊ रानीपुर झांसी की ही विधानसभा है, जवाहरलाल राजपूत गरौठा ये भी झांसी की विधानसभा है। तो जिले के एक जिले में कितनी विधानसभा है और उसके कौन कौन से विधायक हैं, ये तमाम आपको 403 विधायकों की आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं। देख ये आप देख सकते हैं, दीनानाथ भास्कर औराई से विधायक हैं। इस तरीके से जितने भी विधायक हैं उनके बारे में इस डिजिटल कॉरिडोर के माध्यम से यहाँ पर पूरी जानकारी दी जा रही है। इसके अलावा विधानसभा का इतिहास क्या है उसके बारे में पूरी जानकारी दी जा रही है। ख़ास तौर से जो छात्र हैं या जो शोध करने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए यहाँ पर पर्याप्त उनके लिए जानकारी है कि विधानसभा का विधान भवन कब बना, उसके बाद कौन कौन से कब कब कौन कौन से मुख्यमंत्री हुए, मौजूदा विधायक कितने हैं, किस क्षेत्र से आते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार की योजनाएं क्या क्या हैं, कौन कौन से ऐसे ही योजना है जिसका सीधा लाभ जनता को मिल सकता है तो वो कैसे मिल सकता है, उसके बारे में तमाम सारी जानकारियाँ यहाँ पर दी जा रही हैं। देखने में ये दृश्य जितना खूबसूरत, आप देख रहे हैं कि किस तरीके से जो LED स्क्रीन्स है ये अपना रंग बदलती रहती हैं और तमाम तरीके की जो कलाकृतियां हैं वो इसके माध्यम से प्रदर्शित की जा रही है। उत्तर प्रदेश की जो तमाम धरोहर हैं, एक ख़ास बात आपको और बता दें कि यहाँ पर उत्तर प्रदेश की जो तमाम पर्यटन स्थल हैं, जो ऐतिहासिक स्थल हैं, उनके बारे में भी इस डिजिटल कॉरिडोर के माध्यम से LED स्क्रीन्स पर अलग अलग तरीके की जानकारियाँ दी जा रही हैं, जिससे जो लोग विधानसभा में गाइडेड टूर के लिए आएंगे यहाँ पर उनको वो बताया जाएगा, उनको यहाँ पर सारी जानकारियाँ मिल सकेंगी कि उत्तर प्रदेश में कितने पर्यटन स्थल हैं, कौन कौन सी ऐतिहासिक इमारतें हैं, उत्तर प्रदेश के इतिहास के बारे में, यहाँ की कला संस्कृति के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ आपको मिलेंगी। तो विधानसभा के लिए हम लोग कह सकते हैं कि आने वाले कुछ समय बाद आप देखेंगे कि विधानसभा उत्तर प्रदेश में एक नए पर्यटन स्थल के तौर पर विकसित होगा और तमाम जो लोग, चाहे वो उत्तर प्रदेश के लोग हों या बाहर से आने वाले लोग हों, वो एक वेबसाइट के माध्यम से अपना टूर को उसको बुक कर सकते हैं और उनको एक गाइड के साथ यहाँ पर पर्यटन के लिए लाया जाएगा। और यहाँ पर विधानसभा का जो ये हिस्सा है वहाँ यहाँ पर इसको दिखाने के साथ साथ जो तमाम सारी जानकारियाँ विधानसभा को लेकर, उत्तर प्रदेश को लेकर की हैं, वो जानकारियाँ भी यहाँ पर दी जाएंगी। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र कुमार साहू के साथ मानस श्रीवास्तव, लखनऊ न्यूज़ 24।